जय हिंद दोस्तों, हम लाए हैं भारत का सबसे फिट और सुपर हिट चैनल फिटिस्तान, एक फिट भारत। शुरू करने से पहले आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसको और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। चलो आओ चलते हैं फिट भारत की ओर। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं रिकवरी ड्रिंक। रिकवरी ड्रिंक क्या है कि जब भी आप कोई ज्यादा काम करते हैं फिजिकल, चाहे जिम करें, चाहे स्विमिंग करें, चाहे रनिंग करें, मैराथन करें, जब भी आप बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं और आपको अपनी परफॉर्मेंस डे टू डे रूटीन पे अच्छी चाहिए, तो उसके लिए आपकी बॉडी का रिकवरी और रिपेयर होना बहुत जरूरी है। अगर रिकवरी नहीं होगी तो नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो धीमे धीमे कम भी हो सकती है, आपका हो सकता है मन भी ना लगे एक्सरसाइज करने को, और आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकते हैं कि जब मैं करना चाहता हूं, मैं ग्राउंड में पहुंच रहा हूं, फिर भी मेरी बॉडी मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है। तो उसके लिए रिकवरी इज मस्ट, रिकवरी की सख्त जरूरत है। अब रिकवरी करने के लिए कुछ चीजें होती हैं कि जैसे आपको उतना रेस्ट चाहिए होता है, उतनी नींद चाहिए होती है और एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है, तो वो और उसके अलावा ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे आपकी रिकवरी फास्ट हो सकती है। मैंने पिछले ऑलमोस्ट 25-26 साल से जो मेरे कोचेज थे आर्मी में, मिलिट्री में, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, जिन्होंने मुझे सिखाया, और जिन एथलीट्स को देख के मैं बड़ा हुआ और जिनके साथ मैं खेला, मैं इंडिया में भी और बाहर भी, उन सभी लोगों से जब भी मैंने मेरा कन्वर्सेशन हुआ, वार्तालाप हुई, तो मुझे एक चीज़ बाहर जो निकल के आई वो जो सबके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये जो सीक्रेट है ये है बीट रूट जूस। जितने भी अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं वो आफ्टर हैवी वर्कआउट हमेशा बीट रूट का जूस पीते हैं। जूस से मतलब पानी नहीं, उसको ब्लेंड करते हैं और उसके अंदर जो फाइबर और जो पानी जो निकलता है उसको पूरे को एक साथ पीते हैं, और दिन में लगभग एक बार जरूर पीते हैं। लेकिन कुछ जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, जिनको जल्दी रिकवरी चाहिए होती है और ज़्यादा वर्कआउट करना चाहते हैं, वो दिन में दो बार भी करते हैं। बीट रूट को क्यों वो लोग यूज़ करते हैं या मैं क्यों यूज़ करता हूँ, बीट रूट के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी रिकवरी को बढ़ाते हैं और आपकी हेल्थ के लिए और आपकी मसल परफॉर्मेंस के लिए, मसल ग्रोथ के लिए, वो सारे इसमें गुण मौजूद हैं। बीट रूट के अंदर फोलेट, जो विटामिन B9 है, वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये जो हमारी जो सेल्स हैं उनको डैमेज होने से बचाता है। साथ में ये जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करता है, उसको ऊपर नहीं जाने देता है। इसके अंदर नाइट्रेट्स पाए जाते हैं और विटामिन्स, जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये क्या करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को जाके सुपर एक्टिवेट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, एनर्जी उत्पादन का, ऊर्जा उत्पादन का काम करता है, और किसी भी स्पोर्ट्समैन को या किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। तो जो ये नाइट्रेट्स हैं और विटामिन्स हैं, ये उसको माइटोकॉन्ड्रिया को और एक्टिवेट कर देते हैं। जब एक्टिवेट करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होगी तो आपकी मसल्स को ज़्यादा एनर्जी मिल रही होगी और आप जल्दी और फास्ट रिकवर होने लग जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर बीट रूट है, इसके अंदर आयरन बहुत मात्रा में पाया जाता है। जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, और स्पोर्ट्समैन को आयरन मतलब हीमोग्लोबिन की ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो हीमोग्लोबिन में है बॉडी में। जिसका हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा वो लॉन्ग डिस्टेंस रन कर सकते हैं, लंबे टाइम तक खेल सकते हैं, लंबे टाइम तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मस्ट है। इसके अलावा ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। बीट रूट के अंदर जो फाइबर हैं वो इतनी अच्छी मात्रा में हैं कि ये कभी भी आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगे। आपका जो डाइजेशन है और मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर ये ऐड करते हैं। तो जब भी मैं रिकवरी ड्रिंक बनाता हूँ, मैं खेल के आता हूँ, तो मैं बीट रूट को काटता हूँ और साथ में 1/4 नींबू और थोड़ा सा मैं अदरक भी यूज करता हूँ, और तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं वो मैं डालता हूँ। और अगर छोटी बीट रूट है तो दिन में मैं दो बार दो बीट रूट यूज करता हूँ, अगर बड़ी है तो मैं आधा काट के आधा सुबह और आधा शाम को यूज करता हूँ। रिकवरी बॉडी के रिपेयर के लिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए, लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए और आई हेल्थ के लिए, इसमें ल्यूटिन और जैक्सातिनिन जो एलिमेंट होते हैं उनकी वजह से जो आपकी आई साइट है वो भी इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो ये रिकवरी ड्रिंक जो मैं यूज़ करता आया हूँ और इसको कैसे बनाते हैं, और थोड़े दिनों में अगर आप यूज़ करने लगेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी कितना अच्छा आपको परफॉर्म करवा रही है ग्राउंड के अंदर, जिम में, स्विमिंग पूल में, या कोई भी जो आप गेम खेल रहे हैं जिसमें आपको फिजिकल
या आपको स्टेमिना की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपके लंग्स और कार्डियक हेल्थ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। सो अभी मैं आपको ये ड्रिंक बना के बताता हूँ। तो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि मैं कौन सी रिकवरी ड्रिंक यूज़ करता हूँ डेली, और जब भी मैंने इंटेंस वर्कआउट किया या बहुत लॉन्ग रन किया, दिन में 4-5 घंटे वर्कआउट हो गया, तो मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ। और जो मेरे मिलिट्री में मेरे जो दोस्त थे स्पेशल फोर्सेज में, या जो जिन्होंने कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करते हैं, वो मोस्टली जो स्पोर्ट्समैन है वो ये यूज़ करते हैं। और जिन लोगों को, कई लोग बोलते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरे को इसकी कोई कॉन्स्टिपेशन कभी हुआ नहीं, लेकिन मैं इसको प्योरली एंड प्राइमरीली एज ए रिकवरी ड्रिंक यूज़ करता ही हूँ। सो दोस्तों, इसमें ये जो है बीटरूट हमने काट के रखा है, आप फ्रेश बीटरूट लीजिए, आप चाकू से जस्ट ऊपर का उसका कवर है वो उतार दीजिए, फिर छोटे टुकड़ों में काट दीजिए। साथ में आप तुलसी रखिए, साथ में आप जो अदरक है उसको रखिए, और एक नींबू रखिए। ये सिर्फ 4 चीज़ें हैं। और आप जो ये ब्लेंडर है इसको खोलिए, और इसके अंदर आप दिन में बड़ा वाला जो बीट है वो आप 1 यूज़ कर सकते हैं, अगर छोटे बीटरूट हैं तो 2, 1 सुबह और 1 शाम को। जितनी जल्दी रिकवरी होगी उतना ही अच्छा आप वर्कआउट नेक्स्ट डे कर पाएंगे, और उतनी ही अच्छी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अदरवाइज अगर आपने कभी 2-3 दिन ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर लिया, तो फिर 4th-5th दिन आप थक गए हैं, आपका मन भी नहीं करेगा। आप अगर चले भी गए एक्सरसाइज करने के लिए, दौड़ने, जिम, स्विमिंग, कुछ भी करने, तो आप परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे, आपका मन ही नहीं करेगा। आपको नहीं पता चल रहा है कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसका रीज़न ये है कि बॉडी की सारी जो मसल्स हैं उनकी रिकवरी नहीं हुई है, उनमें लैक्टिक एसिड अभी भी जमा है। तो उसको दूर करने के लिए मैं हमेशा ये यूज़ करता ही हूँ। तो अब देखिए कैसे बनाते हैं। ये हमने लिया, इसके अंदर हमने जो बीट है इसको डाल दिया, छोटे छोटे टुकड़े करके काट के डाल दिया बीट को। और एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कभी भी आपको कोई भी जूस छान के नहीं पीना है कि आपने छान लिया उसका जो फाइबर्स है उसको निकाल दिया, नहीं, फिर तो वो कुछ नहीं है उसके अंदर, फिर तो आपने जैसे उसका जो पानी पानी है वो पिया है। तो कभी भी नहीं छानना आपको। तो आपने ये लिया, उसके बाद में आपने जो तुलसी है, तुलसी के 2-3 पत्तियाँ हैं, या मैं 4-5 पत्तियाँ मैंने गमले में लगा रखी हैं आपके अपने घरों में, राजस्थान में या हरियाणा, पूरे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सब जगह हर घर में तुलसी होती है, अपनी माताएं हैं वो पूजा करती हैं, तो आप उसको यूज में डेली लीजिए। साथ में जो अदरक है इसका जस्ट छोटा सा एक टुकड़ा है वो आप इसमें डालिए, और नींबू है तो 1/4 नींबू, ज़्यादा नहीं, मतलब 1/4 नींबू आप इसमें निचोड़ दीजिए। वाइटामिन सी भी होगा और पेट का जो कल्चर है उसको बेसिक बना देगा। फिर 1 गिलास जो है आपको इसमें पानी डालना है। बहुत आसान तरीका है, कहीं नहीं जाना, कहीं बाहर नहीं जाना। जितना पैसा आप मैकडोनाल्ड और ये जो बर्गर पिज़्ज़ा है, कचरा है, जंक फूड खाने में करते हो, उतना पैसा लगता ही नहीं इसमें, और ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये बन गया आपका पूरा जो रिकवरी ड्रिंक है, ये आपका बन चुका है। अगर आपको डायरेक्ट पीना है तो मैं डायरेक्ट पीता ही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, या अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आए हैं या दोस्त आए हैं तो आप उनको गिलास में आप सर्व कर सकते हैं। और जो इसका जो लाल रंग है, आपको कई बार छोटे बच्चे हैं मेरे को घर पे पूछते हैं कि अरे इसमें तो जैसे खून का सा रंग है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीट के अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे आपको बताया मैंने, आयरन होता है, फोलेट होता है, इसकी वजह से जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है वो भी दूर हो जाता है, हीमोग्लोबिन का लेवल आपका वो भी बढ़ जाता है। तो आप चाहें इसको डायरेक्ट इसमें भी पी सकते हैं और उसमें भी पी सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसा टेस्ट हुआ, अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड ये मेरे लिए रामबाण है। मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं जो खेलने वाले, जो जितनी यंग क्राउड है जो ज़्यादा एक्सरसाइज करती है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाती है, वो ज़रूर यूज़ करें। और जितने बड़े लोग जिनको भी अगर यूज़ करना है या जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। चीयर्स गाइस, जय हिंद, जय भारत, फिट भारत।